देखो भैया, आपने हाथी को देखा होगा, हम लोगों ने देखा गांव में, छोटे छोटे गांव में एक हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो, गणेश जी हैं, जय हो गणेश जी महाराज, छोटे बच्चे भी जय हो गणेश जी महाराज। ये गांव की भावना बता रहे हैं। इतने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के लिए जितने शायद और किसी के लिए जोड़े जाते हों। लेकिन एक दूसरी विडंबना, यह तो सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं किसी और के लिए नहीं, लेकिन विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से, कोई बराबरी का मामला भी नहीं है। अच्छा, कुत्ते हमारी भाषा समझते नहीं, हमें उनकी बात समझ में आती नहीं। अगर वो हमारी भाषा समझते तो हम पूछते जरूर, और पूछते तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं। हाथी से कोई दिक्कत नहीं तो भौंकते हुए इसके पीछे पड़े क्यों हो, तो कुत्ते यही जवाब देते कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ गए, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अर्थ सीधा सा है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा, एक बात और है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। ये विचित्रता है, ये हाथी के आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं, लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है। जिसके जीवन में निंदा स्तुति समान हो गई हो, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है।